अब हम लोग करेंगे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, राइट इशू। राइट इशू जो होता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर्स इशू किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट से कम प्राइस पे इशू किए जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं राइट इशू। ठीक है, अगेन सुनिए, जो राइट शेयर्स होते हैं, राइट इशू का मतलब है कि आप राइट शेयर्स इशू करते हैं, दैट मीन्स कि आप जो हमारे कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको शेयर्स इशू करते हैं लेकिन मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं राइट इशू। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए, एक्स लिमिटेड ऑफर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द राइट टू बाय वन राइट शेयर एट रुपीज 120 फॉर एवरी फोर शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच हेल्ड। एक्स लिमिटेड ऑफर कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को कि वो एक राइट शेयर बाय कर सकते हैं कितने पे, 120 पे, जिसके पास ऑलरेडी चार शेयर्स हैं, ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन द डेट ऑफ सच ऑफर इज रुपीज 180 पर शेयर। अब देखिए मार्केट वैल्यू जो है एक शेयर की कितनी है, 180, ठीक है, लेकिन आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कितने का एक शेयर ऑफर कर रहे हैं, 120 का, तो यह है राइट ऑफर, राइट शेयर, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, इसमें हम रिक्वायर किया जी, रिक्वायरमेंट है जी, हमने फाइंड करना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, ठीक है,